नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश खबर टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं बहराइच की खबर। बहराइच विकास खंड कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरिया गाजीपुर के मनरेगा श्रमिकों द्वारा खंड विकास कार्यालय कैसरगंज में एक शिकायती प्रार्थना पत्र रोजगार सेवक रूप नारायण के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि रोजगार सेवक द्वारा मजदूरों से मजदूरी के पैसे में हिस्सा मांगा जा रहा है। और यह भी आरोप लगाया है कि यदि कोई मजदूर मजदूरी में हिस्सा नहीं देगा तो उसको कार्य पर नहीं रखा जाएगा। श्रमिकों का यह भी आरोप है कि मजदूरों को अन्य जगह पर कार्य करने से भी रोका जा रहा है, तथा यह कहा जाता है कि यदि कहीं अन्य जगह पर कार्य करोगे तो तुमको मजदूरी नहीं दी जाएगी। इस क्रम में गांव के श्रमिक ब्लॉक कैसरगंज पर इकट्ठा हुए और एक शिकायती प्रार्थना पत्र एपीओ को सौंपा। इस विषय पर एपीओ आलोक कुमार मिश्रा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जाँच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में पर जब ग्राम रोजगार सेवक रूप नारायण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे की मांग वाली बात गलत है और पूर्णतया निराधार है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान मुझसे गलत मास्टर रोल भरवाना चाहते थे पर मैंने मना कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम प्रधान द्वारा अपने व्यक्तियों को इकट्ठा कर शिकायत कराई गई है। मेरी भी यह मांग है शिकायत की जाँच कराई जाए। रामपाल, आप लोग ब्लॉक में क्यों उपस्थित हुए हैं? हम लोग की मजदूरी नहीं मिल रही है। किसकी मजदूरी? जो नरेगा के काम किया है। नरेगा की मजदूरी? हाँ, जो काम किया इनका है। आपने कहाँ काम किया है? अपने गांव पंचायत में नरिया गाजीपुर में। कौन मजदूरी नहीं दे रहा है? रूप नारायण जो कह रहे हैं कि जो काम करोगे वो पैसा नहीं मिलेगा, ये नाजायज काम हो रहा है। रूप नारायण कौन है? पंचायत मित्र। आपके गाँव पंचायत के? जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो काम किया है ये भी पैसा आपका नाजायज है, जो काम किया कर रहे हो वो भी नाजायज है। तो हमको कमीशन दीजिए। क्या कह रहे हैं? कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन दीजिए हमको। क्या नाम है आपका? ताराचंद। कमीशन कितना मांग रहे हैं? 5 रुपया परसेंट। क्या? कि जितना काम करोगे 5% हमको दीजिए कमीशन, तभी पैसा पाओगे, नहीं एक पैसा नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? रूप नारायण, पंचायत मित्र। पंचायत मित्र? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने की? जी सर। जी सर। कहाँ पे शिकायत की है? यहाँ वीडियो के पास। वीडियो के पास। तो वीडियो साहब ने क्या कहा आप लोगों से? अभी कुछ भेंट नहीं हुआ। अभी नहीं कुछ किया। लोग उनको सस्पेंड चाहिए थे कि सस्पेंड किया जाए गुलरिया। ये शिकायत की है आपने वीडियो साहब से? हाँ, अभी किया है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो कहें मौके देख के काम किया जाएगा। इसकी जो शिकायत हमको मिली हुई है जी, प्रधान जी की तरफ और लेबर लोग जो भी आए हैं, इनकी मतलब शिकायत पे हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनके यहाँ मतलब स्त्री जो है मौके पे क्या हुआ है जो भी है उस पर देख के, इनके जो भी अगर इसमें दोषी है जी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की। नहीं, एक जानकारी चाह रहे हैं जी। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है जी, जी। कि रूप नारायण जी जो हैं जी, जी। वही पैसा हम लोगों को देते हैं या जनरेट करते हैं ब्लॉक से? नहीं, तो नहीं, क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप है, इस तरह नहीं होता है जी। क्या प्रक्रिया है इसकी? प्रक्रिया ये होती है जी, मास्टर रोल जैसे जब हमारे यहाँ सचिव और रोजगार सेवक जब और प्रधान जब डिमांड देते हैं जी जी, तब मास्टर रोल निकलता है जी। उसके बाद मास्टर रोल भरा जाता है, भर के फिर ब्लॉक पे आता है, उसको MB कर TMB करते हैं जी। ठीक है जी। जब TMB करेंगे तत्पश्चात जो है मास्टर रोल भरा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लिया अगर जो ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ रूप नारायण का दोष नहीं है, ग्राम पंचायत अधिकारी भी दोषी माने जाएंगे? नहीं नहीं, इसमें उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी का इसलिए नहीं माना जाएगा जी, क्योंकि जो अटेंडेंस का होता है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से होता है जी। उसमें अब जैसे नया सिस्टम में प्रावधान किया है तो उन्होंने जो है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जो है करते हुए अटेंडेंस उन्होंने लेके जी उसको 0 फीट कर दिया जी। जी जी, ठीक है।